इस समय हमारे साथ रिलायबल ये जो सोसाइटी है रिलायबल इसके कुछ मेंबर्स हैं जो इनकी परेशानियां खुद बताएंगे कि क्या इनको तकलीफ है, क्या दिक्कत है। मैडम आपका नाम? प्राप्ति मोरे। मोरे मैडम, क्या विषय है, क्यों आज आप लोग इकट्ठा हुए और क्यों आपने, क्या आपकी मांग है, क्या आपका मेन मुद्दा है? एक्चुअली क्या है, हमारा ये जो सोसाइटी, मैं यहाँ के ओनर हूँ, हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पानी का लाइन जो है बीएमसी का पानी दिया गया था वो कट गया है। और अभी दूसरी बात, यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा जो पैसेज है वो पूरा पार्किंग से भरा हुआ है। जहाँ पे हमें पार्किंग मिलना था वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग बांध रखा है। त्यामुळे तिथे सगळ्यांनी पार्किंग नाही असल्यामुळे इथे खेळण्याच्या जागेवर पॅसेजमध्ये पूर्ण बाईक आणि गाड्यांनी भरलेले आहे। इथे लहान मुलांना खेळायला जागा नाही आहे। तिथे जर बघा, जिथे कचऱ्याचा डब्बा ठेवण्यात येत होता तिथे आता त्यांनी बिल्डिंग बांधल्यामुळे कचऱ्याचा डब्बा गेटच्या समोर ठेवण्यात येतो आहे। आणि त्या कचऱ्याच्यामुळे सगळ्या लहान मुलांना, इथल्या सगळ्या लोकांना त्याचा त्रास होतो आहे, आजाराला सामोरं जावं लागतं आहे। आणि त्यामुळे इथे सगळ्यांची म्हणजे मानसिकरित्या, शारीरिकरित्या सगळ्यांना त्रास होतो आहे।
मैडम आप बोल रहे हैं कि पार्किंग की जगह में बिल्डिंग बन रही है, तो ये आप किस आधार पे बोल रहे हैं? इसके लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या सपोर्ट? अभी ये आपको दिखा रही हूँ, ये ऑर्डर है कोर्ट का। इन्होंने बोला है, कोर्ट से ऑर्डर आया है कि आप ये सब रोक दो करके, फिर भी उन्होंने काम जोरों से चल रहा है। अभी हमारे पास है सब, कोर्ट का ऑर्डर है मान्य है, ठीक है, लेकिन सब मेन ग्राउंड डॉक्यूमेंट क्या है जिससे ये साबित हो कि वो पार्किंग है, ऐसा मेरा सवाल है। अभी तक फिलहाल हमें ग्राउंड और 1+1 इसका ही OC मिला है, अभी तक OC भी नहीं मिला है एक्चुअली। वो भी OC नहीं है। वो ऐसे टेम्पररी के लिए था, टेम्पररी के लिए OC वो हम दिया गया है बस। हमें एक लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारे हमें जो बताया गया था कि हमें आपको ये जगह दी जा रही जाएगी, आपको पार्किंग ये है, आपको गार्डन दिया जा रहा है, जो आपका पैसे चाहिए जब हम घर लेते हैं, जो हमें बताया जाता है कि आपको ये चीज़ें मिलेगी, जिम है, यहाँ पे जिम भी बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो हमारी जगह थी जब पहले सब पार्किंग करते थे, वहाँ पे कचरे का डब्बा रखा जाता था, वहाँ पे सब अभी वो हटा कर वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। वो जगह हमें चाहिए जहाँ पे यहाँ जो बाइक्स वगैरह है, गाड़ियाँ है, वो पार्क कर सके, जिससे लोगों को आने जाने को भी दिक्कत ना हो। वहाँ की जगह पैक करने से यहाँ पे पैसेज में गाड़ियाँ लगा देते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इशरत अंसारी है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको दिक्कत है? मेरे यहाँ पर तो बहुत दिक्कत है, इतना दिक्कत है कि हम बता ही नहीं सकते। एकदम समझ लीजिए कि ये झोपड़पट्टी बन गया, झोपड़पट्टी बिल्कुल बोल सकते हैं सही, मगर ये नहीं सही है, क्योंकि हमें जितना वादा किया था बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला, जीरो। आज इतना है कि लिफ्ट में रिक्शी है, आप जा रहे हैं तो ऊपर वाला का ये है कभी भी, वो हर जगह से हम लोग को नोटिस। सबसे पहले चीज़ है कि हमारे पास में आज आने जाने के भी, बच्चे लोग तो खेलने के छोड़ दो, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। कल के कुछ भी हादसा होता है तो कुछ भी नहीं होगा, लोग अंदर ही मर जाएगा जैसा है यहाँ पे। दूसरी बात में कि ये जगह हमें बताया गया था, वादा किया गया था कि हम आपको गार्डन, पैसे, हर चीज़ देंगे, पार्किंग वगैरह, और उस जगह पे ज़बरदस्ती बिल्डिंग बना रहे हैं। वो हमें मांगे यही कि वो बिल्डिंग बंद होना चाहिए, हमें हक का मेरा चीज़ मिलना चाहिए, बस इतना ही मेरा है। और महानगर पालिका ऑफिसर जो DSP है, सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमें हक का जगह हमें मिलना चाहिए, हम हारेंगे नहीं, हम पूरा कोशिश करेंगे लड़ने के लिए, मेरा ये जगह चाहिए। आपका नाम? अहमद। अहमद भाई, क्या है बिल्डिंग को लेकर, क्या मुद्दा है आपका, वो मुद्दे वाली बात क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लेरिफाई कर दूं कि बिल्डर से हमारा कोई बैर नहीं है, हमें सिर्फ हमारे हक की जो चीज़ें हैं वो मिल जानी चाहिए। जैसे हमें बिल्डिंग के लिए OC मिल जाना चाहिए, पानी का कनेक्शन मिल जाना चाहिए, फायर के जो सेफ्टी सर्टिफिकेट होती है वो मिल जाना चाहिए, लिफ्ट हमारी प्रॉपर फंक्शनल होना चाहिए, STP प्लांट हमारा जो है वो बराबर चलना चाहिए, जो प्रॉमिस एम्यूनिटीज़ की गई थी जैसे गार्डन है, जिम है, कम्युनिटी हॉल है, ये सारी हमारी बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, जो इम्यूनिटीज़ है, जिसके लिए आप एक अच्छी सोसाइटी, और ऐसी 14 माले की जो टावर है, विच इज़ वन ऑफ़ द बिगेस्ट टावर इन नालासोपारा, जो सबसे पहले बना गया था, तो अगर हम यहाँ आए थे रहने के लिए तो ये कुछ इम्यूनिटीज़ का पैसा दे करके हम यहाँ आए थे रहने के लिए, जिसका बिल्डर ने हमसे पैसा तो लिया है, लेकिन उसको जो प्रोमिसज़ उसने किए थे वो फुलफ़िल नहीं है। तो हमारी आज भी डिमांड यही है बिल्डर से कि जो प्रोमिसज़ उसने किए वो फुलफ़िल कर दें। और रही बात कि ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये कंस्ट्रक्शन में ओरिजिनल प्लान में जब हमने फ्लैट बेचा जा रहा था तब बताया गया था कि यहाँ पार्किंग है। आप भी जैसे देख सकते हो कि यहाँ पार्किंग की कितना, 400 यूनिट्स है, 290 फ्लैट्स है, 150 अराउंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स है, और पार्किंग बहुत कम है। तो अगर जैसे वो अभी मैडम भी बोल रहे थे कि अगर कुछ हादसा हो जाए, रात में एम्बुलेंस आना हो, तो बिल्डिंग के अंदर एम्बुलेंस नहीं घूम सकती क्योंकि इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो एक पार्किंग का एक काफ़ी बड़ा मसला है हमारे लिए, पानी का एक काफ़ी बड़ा मसला है हमारे, लाइट का एक काफ़ी बड़ा मसला है हमारे लिए। तो हमें ये सारे जो मसले हैं हमारे, जो सारे हमारे हक है, ये हमें बिल्डर दे दे, और हमें इससे ज़्यादा बिल्डर से कुछ नहीं चाहिए। अभी पार्किंग का इशू हुआ ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू होने से, या पहले से ही आप पार्क यहाँ करते थे, उसका क्या? देखिए, ये पहले से ही पार्किंग का इशू था यहाँ पर, ऐसा नहीं था कि पार्किंग का इशू ये प्रोजेक्ट चालू होने से हुआ। ये प्रोजेक्ट चालू होने से सॉल्व टू द इंजरी हो गया, क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे वहाँ देख सकते हैं, ये पतरा मार दिया गया है, वहाँ अंदर करीबन 8 पार्किंग है जो बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रह सकती थी, और इस साइड ओपन पार्किंग स्पेस था, तो बहुत सारी बाइक्स वहाँ खड़ी हो जाती थी और कार्स भी वहाँ खड़ी होती थी।
लेकिन जैसे इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैसेज एरिया है, जो एग्जिट गेट का एंट्री है, वहाँ पे भी उन्होंने पत्रा आगे तक मार दिया है और उस तरफ का पीछे भी बंद कर दिया है उन्होंने। तो उस वजह से जो इशू है वो ज़्यादा होने लगा है पार्किंग में। और होता यह है कि काम वो कर रहा है लेकिन लड़ाई हम बिल्डिंग में आपस में हो रही है, क्योंकि इसकी गाड़ी उसको लग गई, इसकी गाड़ी उसको लग गई, और इस तरह के बहुत छोटे छोटे टीथिंग इश्यूज जो है वो हर रोज़ बिल्डिंग में उठने लगे हैं। बिल्डिंग में जब ओसी ही नहीं है तो किस आधार पर सोसाइटी फॉर्म हुई? देखिए, सोसाइटी किस आधार पर फॉर्म हुई, तो हम लोग मार्च अप्रैल 2022 से हमने शुरू किया था इसको बिल्डर के हाथ से लेने का, क्योंकि इसके पहले जो मैनेज कर रहे थे बिल्डर ने एक एडॉक सोसाइटी बना करके दी थी जब ऑक्यूपेंसी हो गई थी बिल्डिंग में, और वो मेरे ख्याल से 2016 में रजिस्टर की गई थी सोसाइटी। उसके बाद से जितना हमें नॉलेज है कि एक साल के अंदर सोसाइटी एडॉक कमेटी को परमानेंट कमेटी बना करके हैंड ओवर करना होता है, जिसकी शायद टेन्योरिटी 5 ईयर्स की होती है, मगर वो हुआ नहीं। और उसके बाद फिर हम लोग ने कुछ सोसाइटी के जागरूक मेंबर्स जमा हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो रही थी, मेंटेनेंस लिया जा रहा था मगर सर्विसेज कुछ नहीं मिल रही थी, तो लोग जमा हुए, रजिस्ट्रार के पास गए, रजिस्ट्रार के पास हमने हमारा तकरार रखा, हमारा जो भी इश्यूज़ था वो रखा, और रजिस्ट्रार के गाइडेंस से फिर रजिस्ट्रार ने आकर के यहाँ पर AGM ले करके सोसाइटी फॉर्म की, जो सोसाइटी अभी चल रही है। और उसके बाद जब हमने सोसाइटी हैंडओवर ली, उसके बाद से फिर हमने इतना प्रॉब्लम्स होने के बाद में भी ऐसा नहीं था कि हमने डे 1 में जाके बिल्डर पे कंप्लेन कर दिया या बिल्डर के साथ में हमने लीगल फाइट शुरू कर दी। हमने पहले रिक्वेस्टफुली भी उनसे बात की, हमने उनको कहा भी कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं आप इनको सॉल्व कर दो, तो बिल्डर से एक स्टेटमेंट आया कि भाई आप सोसाइटी से बिल्डर को पैसे लेने निकलते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने मेंटेनेंस या उसके जो भी ड्यूज थे वो क्लियर नहीं किए। तो हमने बिल्डर को वो भी अप्रूव ओके कर दिया सोसाइटी की कमेटी और एक जनरल मीटिंग ले करके कि भाई अप्रैल से पहले का पैसा बिल्डर ले लेगा, जो भी उसको लेना है अप्रैल के बाद का पैसा लेके हम सोसाइटी को रन करेंगे। अब बिल्डर ने अप्रैल से पहले का पैसा लिया नहीं लिया वो हमें पता नहीं, लेकिन उसने हमारा बिल्डिंग के मैनेजमेंट या वेलफेयर के लिए कुछ भी काम नहीं किया। जब बिल्डर ने ऑलरेडी, आपने अभी ऐसा बताया कि डेमो सोसाइटी फॉर्म की थी, हाँ, तो फिर वो जो सोसाइटी मेंबर्स थे वो लायबल है ना? बिल्डर कैसे बोल सकता है कि मेरे को नहीं मिला? देखिए, बिल्डर कैसे बोल सकता है कि मुझे नहीं मिला, तो फ्रंट एंड हमारे साथ में बिल्डर कर रहा है, बिल्डर के लोग ही कर रहे हैं। अच्छा, जितना हमें नॉलेज है कि जिन लोगों से सोसाइटी फॉर्म की गई थी वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, अफिलेटेड थे बिल्डर के साथ ही। इस बात की मैं कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकता, मगर शायद जैसा हमें सुनने में आता है कि अरे भाई ये तो ऑलरेडी बिल्डर के इसमें जॉब करते हैं या कहीं उनके साथ में कोई पार्टनरशिप में है या ऐसा कुछ उनका व्यवहार था, जिसके लिए हमें कोई इतनी क्लैरिटी है नहीं वैसे। मगर जब हमने सोसाइटी ली तो सोसाइटी के कुछ पुराने मेम्बर्स जो लोग चला रहे थे वो थे, और बिल्डर खुद प्रेजेंट था, और बिल्डर ने ये कहा था कि मैंने ये, दिस इज़ कोटेड स्टेटमेंट, मीटिंग के अंदर जो लोग थे वो ये कंफर्म कर पाएंगे, बिल्डर ने कहा था कि मैंने अभी तक सोसाइटी हैंडओवर की नहीं है आप लोगों को ऑफिशियली। तो अभी क्या मांगे आपकी? हमारी, जैसे मैंने पहले कहा कि हम यहाँ पे पीसफुली रहना चाहते हैं, ब्लिसफुली रहना चाहते हैं, हमें हमारी बेसिक एम्यूनिटीज़ दे दीजिए, हमारा ड्रेनेज क्लियर होना चाहिए, हमारा STP चालू होना चाहिए, हमें जितनी हमारी हक की पार्किंग है वो हमें मिलना चाहिए, आपने गार्डन प्रॉमिस किया था हमें वो गार्डन फंक्शनल दे दीजिए, आपने लिफ्ट फंक्शनल प्रॉमिस की थी हमें वो लिफ्ट फंक्शनल दे दीजिए, जिम प्रॉमिस किया था हमें वो जिम फंक्शनल दे दीजिए, हमारे लिए जो कम्युनिटी सेंटर या जो कॉमन पैसेज होता है वो हमें दे दीजिए, इससे ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो अंत में हम एक ही बात बोल सकते हैं, एक जो पुरानी कहावत है कि नाम बड़े दर्शन छोटे, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन ग्राउंड पर उनका इम्प्लीमेंट कितना है नहीं है वो आप अभी आपने सुना है। इसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अभी के लिए इतना ही। नालासोपारा से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।